चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशंस एसोसिएशन इरफान खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन कैफे गुलबर्ग में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ब्लैक मार्केटिंग वाली कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों को आसमान तक पहुंचाया। हुकूमत ने एसोसिएशन के मुतालबे पर नोटिस लिया। अब 56 करोड़ रुपए की ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस माफिया का लाइसेंस मंसूख करके मजीद कार्रवाई की जाए। जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग हैं, जो लूट मार कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है, हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। हम वो प्लान भी बंद करेंगे, वो शॉप भी बंद करेंगे, उनके लाइसेंस भी मंसूख करेंगे। इरफान खोकर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से एलपीजी की कीमतों में कमी को सराहते हैं। गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है, इम्पोर्ट आने से एकदम से उन्होंने कीमत आज गिराई। आज आप देखेंगे कि अगले 48 घंटों में कीमत फौरी तौर पे 113 रुपए पर किलो पे आ जाएगी। चेयरमैन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ने मजीद कहा कि उनकी तंजीम ब्लैक मार्केटिंग में मुलविस माफिया की इजारादारी खत्म करने में हुकूमत का साथ देगी। कैमरामैन शान बशीर के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़।